मेरे ऊपर धारा 307 लग गई एक बार। 16 महीने खट्टर जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, हम उसका विरोध करने पहुंच रहे थे। 307 लग गई, फर्स्ट टाइम लगी थी। मैंने बताया ही कौन कर क्या तक ना, पीपली कांड का पहला केस था मेरे ऊपर, उससे पहले जाट आरक्षण के केस थे मेरे ऊपर। तो वह 307 धारा मैंने कर क्या तक बताया को नहीं, क्योंकि मैं न्यू कौन बताया कि मेरा तड़का आंदोलन में जान दे। मैं 10वीं नहीं पाटन लाग रही बड़का पे, और सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बने बैठे हैं। 1.5 लाख फॉलोअर ले रहे हैं। 1.5 छोड़ो, मतलब 10,000 में इतनी फीलिंग ले जावे जो पता नहीं अंबर के पैड़ी लगा ली। अब केस भी लग रही मैम, फिर भी सरकारी नौकरी कैसे पॉसिबल है, बताओगे थोड़ा? मैंने पर्सनल लेवल पर केस को लड़ा, 2-2.5 लाख रुपए खर्चा आया, पर्सनल वकील किए। एक बात कहती हूँ ऑन कैमरा, आपके अंदर ताकत है तो कोई भी लड़ाई लड़ियो, अगर आपके अंदर ताकत नहीं है तो किसी के भरोसे। कोई कलाकार नहीं है जिसने मुझे गाना ऑफर ना किया, चाहे के पी की बात आती हो, चाहे अमित जी की बात आती हो, नवीन नेहरू की बात आती हो, हरियाणा, बल्कि बहुत सारे कलाकार तो ऐसे हैं जो लिरिक्स मेरे से मांगते हैं, लेकिन मैं इस लाइन में जाना नहीं चाहती। हरियाणा में चुनाव भी होने होंगे 2024 में, किस पार्टी से ऑफर आया अब तक आपको? ऑन कैमरा मैं ये कह रही हूँ, हरियाणा की ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने मुझे ऑफर ना दिया। बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, भाजपा, जजपा, हर कोई पार्टी ऐसी है। इवन मेरे घर में चाय तक पीने के लिए धुरंधर नेता आए, दिग्गज नेता पार्टियों के आए, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी तीसरे के माध्यम से ये कहते हैं कि उस लड़की के घर हमारा चाय पानी करवा दी होगी जी। मतलब आप क्या लव करवा रहे हैं? वो मेरे घर वालों का मैटर है, आपको कोई मतलब इसके मेरा इसके बारे में ना मैं कोई सलाह देती ना मैं कोई सलाह लेती दी होगी जी। मतलब आप क्या लव करवा रहे हैं? वो मेरे घर वालों का मैटर है, आपको कोई मतलब इसके मेरा इसके बारे में ना मैं कोई सलाह देती ना मैं कोई सलाह लेती। जंग प्रदर्शन करना इतनी अच्छी बात होती ना, तो आदिवासियों से और मनुष्य बनने तक का ये टाइम है, ये हमें पार करने की जरूरत नहीं पड़ती। आदिवासी लोग पत्तों के माध्यम से अपने कपड़े बनाते थे, अपने अंग को वो भी ढकते थे, प्राइवेसी वो भी रखते थे। आज जब लड़कियां कपड़े उतारती हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि जब आप लोग बड़े होंगे। खेड़ी सर है, उनके साथ भी आप बहुत ज्यादा दिखाई दो, मतलब उनके साथ कैसी बॉन्डिंग आपकी? भाई है अपना बड़ा, जहाँ भी इस छोटी बहन को जरूरत होती है खड़ा मिलता है, और जहाँ भी बड़े भाई को मेरी जरूरत होती है मैं खड़ी मिलती हूँ। जब शुरू हुआ ना एक गाना चला 29 दिसंबर छड़ी, हाँ ये हाँ, और मैं यूं कहूं कि 10-10 साल के बालक, 7-7 साल के, 8-8 साल के बालक इस गाना के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, स्टेटस लगा हुए हैं, वो उनकी भावनाएं बोलने लाग रही हैं या उनका बचपना बोलने लाग रहा है या सिर्फ वो लिपसिंग मात्र तक है। भाई आपके बच्चे कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं, ऐसी माँ बेटा डांस कर रहे हैं, माँ को पटोला बताते हैं गाने के अंदर, माँ जो माँ है बेटे को सैया बताती है गाने के अंदर, वो एक्ट। हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है सारे दर्शकों, सुमित लाल की ओर राम राम। तो फिलहाल मेरे साथ देख लिया फ्रेम जो चेहरा बोल, मतलब बहुत पहले जानो मैम ने, बहुत ज़्यादा वायरल भी है, किसान नेता भी है, अब मैम टीचर भी लगी है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनती भी है। तो सारे मतलब आपके क्वेश्चन थे उसके जवाब लिया मैम पर, कैसे मतलब एक टीचर लगी, आप जो किसान नेता वो नेतागिरी छोड़ देंगे या वापस उसमें रहेंगी? तो मेरे साथ हरी मन नैन, तो मैम सबसे पहले राम राम, स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। जी राम राम आपको भी, आपके दर्शकों को भी। कैसे हो मैम? बहुत अच्छे हैं, आपका भी स्वागत है, आप हमारे खेत में आए, घर पे आए। तो थैंक यू मैम, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, टीचर भी लगी अब तो। धन्यवाद आपका। बताओगे थोड़ा किस चीज़ में लगे, मतलब लेक्चरर लगे, टीचर लगे, कौन से स्कूल में? मैं हूँ KVS में एज अ PRT टीचर, प्राइमरी टीचर के रूप में, और सिरसा में मैं कार्यरत हूँ। 5 तारीख को मैंने ज्वाइन किया था, इसी 5 को, कल 1 महीना हो लिया पूरा, और JBT की थी, उसके बाद हेस्टेट सीटेट की रीट किया। सीटेट के बेस के ऊपर ये भर्ती होती है, भर्ती हुई, पहले रिटन एग्जाम हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, और उसके बाद फिर सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया। अब तो नेतागिरी की बात कही, मैं छोड़ दोगे या कंटिन्यू रहोगे? नेता तो मैं पहले भी नहीं थी, पर मैं तो बस इतना करती थी कि मेरी कलम के माध्यम से जो भी मुझे लोगों की दुख तकलीफ दिखती थी मैं उनको लिखती थी, चाहे वो किसान की हो, चाहे वो जवान की हो, चाहे वो किसी की भी, और मैं वो आगे भी लिखती रहूंगी। कलम, जाते हैं ना, कलम भी आंदोलन हो गया। नहीं लिखेंगे, और जहाँ ये महसूस होगा कि जाना है तो वहाँ जाएंगे। नहीं आंदोलन भी देखे समझा कर दिन, आप तो टैग लगे भाई नेता है, नहीं मन तो कहीं पा के लोगों के बीच में बात भी सुना कर दे भाई वो आगे नेतागिरी। नेतागिरी मैंने जैसे पहले ही बताया,
कि नेता हम पहले भी नहीं थे, पब्लिक मानती है, पब्लिक मान, जो पब्लिक कल मानती थी ना वो पब्लिक आज भी मानती है। प्रोफेशन मेरा हमेशा से ही, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ाती थी, मेरी आप सोशल मीडिया के ऊपर जा करके पीछे जा करके पुरानी वीडियो उठाएंगे तो मैंने सोशल मीडिया शुरू ही बच्चों को पढ़ाने के लिए किया था, चाहे वो यूट्यूब की बात करूँ, चाहे फेसबुक की बात करूँ, या शॉर्ट्स वीडियो इंस्टाग्राम की बात करूँ, मैंने वो बच्चों को पढ़ाने के लिए शुरू किया था। हम स्टार्टिंग से ही, मैंने 12वीं करते ही बीए नॉन अटेंडिंग की और गांव के किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, उसके बाद बरवाड़ा एकेडमी कर ली तो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तब भी हमारी बरवाड़ा के अंदर एकेडमी थी, और जब मुझे ये लगता था ना कि आज अभी बच्चों का एग्जाम आएगा, अभी बच्चों की भर्ती आएगी, मैं एक टाइम पर आंदोलन में जाना स्किप कर देती थी, लेकिन बच्चों की क्लास कभी स्किप नहीं होने दी मैंने। तो हमेशा मैंने पहले अपनी टीचिंग लाइन को रखा, अपनी पढ़ाई को रखा, उसके बाद में सारे काम रखे। अब भी यही रहेगा, पहले पढ़ाई रहेगी, उसके बाद सारे काम रहेंगे। नहीं, मेंटेन कैसे करते हो भाई? चलो आंदोलन में भी जाना, फिर बच्चे पढ़ाने, फिर घर पर घर का काम भी करना, तीनों चीज एक साथ मेंटेन कैसे करते? अभी मैं आपको दिखा रही थी, मेरे घर में बोर्ड लगा हुआ है। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों की क्लासें लेती थी, रात को 10-10 बजे, 1-1 बजे, 2-2, 2:30 बजे मैं क्लास को रिकॉर्ड करके सोती थी। जिस टाइम पर बाकी घरों के बच्चे सो रहे होते थे, मैं बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रही होती थी। शेड्यूल, बात रही शेड्यूल की, देखो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो दिन के 24 के 24 घंटे सोता हो, 24 के 24 घंटे काम करता हो, या 24 के 24 घंटे पढ़ता हो। पर मैं कहूँ कि प्रत्येक बच्चा ऐसा है जिसको यही नहीं पता, दिन के 7-8 घंटे ऐसे उसके निकल जाते जिसको यही नहीं पता कि वो कर क्या रहा है। मैं उस टाइम को मेंटेन करती थी हमेशा, मेरा ये नहीं था कि मेरे को सुबह 6 से 7 तक पढ़ना है, मेरे को 1 घंटा पढ़ना दिन में किसी भी टाइम पढ़ लूँ मैं, मेरे को कितना पढ़ना है मैं वो डिसाइड करती थी, उसके बाद मैं अपना काम शुरू करती थी। प्लानिंग जो है कोई भी काम को करने से पहले बहुत ज़रूरी है, और यदि कोई भी काम प्लानिंग के हिसाब से चलता है तो मेरे ख्याल से वो हमें ज़्यादा सफलता देता है, बजाय कि हम देखो किसान आंदोलन चला, 3 कृषि कानूनों के ऊपर बातचीत हुई। मैं आज ऑन कैमरा, मैं पहले भी कहती थी और मैं आज भी कह रही हूँ ऑन कैमरा, मैं ये कह रही हूँ देश के 30% किसान को यही नहीं पता था कृषि कानून है क्या। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे आदमी बाइट देते थे सोशल मीडिया के ऊपर अपनी, उनको यही नहीं पता था APMC क्या है, मंडी कानून क्या है, उनको यही नहीं पता था। मैं जब किसान आंदोलन के अंदर गई, बहुत सारे मीडिया वाले, नेशनल मीडिया वाले क्या करते थे, हमारे किसान भाइयों से सवाल करते थे कि भाई APMC क्या है, वो बता नहीं पाते थे, फिर उनको वो वायरल करते थे। मैं जब किसान आंदोलन के अंदर गई, मैं अपनी उस चीज़ पर कुठाराघात करते हुए गई थी, देश के लोग ये कह रहे थे कि अनपढ़ लोग बैठे हैं, इनको नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की। मैं अपनी डिग्रियों के साथ और उस नॉलेज के साथ गई थी कि देखिए देश का पढ़ा लिखा किसान और किसान के बच्चे भी आपके इन कानूनों को नकारते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ जो भी आप काम करते हो उसके लिए पढ़ाई सबसे जरूरी है। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो नीतियों को नहीं समझ पाओगे, नीतियों को नहीं समझ पाओगे तो बोल नहीं पाओगे। तो चलो मैं पढ़ाई अलग से, मेरे कला की शादी वगैरह के काम भी आवा वो नहीं आते। मैं बताऊं 2 से 2.5 महीने कपास का काम चलता है, मैं 2 के 2 महीने मेरी माँ के साथ जोड़ी करके कपास सूखती थी खेत के अंदर, आपने मेरी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर देखी होगी। सोशल मीडिया कैसे भाई 30 सेकंड खातर लोग कुछ भी कर सके, मतलब दिखावा वो हमारे अंदर नहीं है ना। अब मैं सरसों भी काटती हूँ, पहले क्या था, आजकल तो 2 दिन में गेहूँ का काम निपट जाता था, पहले 15-15, 20-20 दिन पहले उसकी कटाई करते, भरोटे सर के ऊपर ढोया करते, थ्रेसर में खुद निकाला करते, आजकल तो लेबर सारा काम कर दे वह। हम 15 के 15 दिन जेठ का उस महीना में, हम अप्रैल मार्च अप्रैल के उस महीना में हम गेहूं के खेत में दाती लेके खड़े मिलते थे। 3 भाई बहन हैं हम, तीनों के तीनों मतलब यूं जैसे लेबर खेत में काम करती है ना, हमने ऐसे काम किया है। मेरे पापा हमारे खुद के 3 किले हैं घर के, और मेरे पापा माड़ने ले में कम से कम 12 से 13 किले। हमने कदे यूँ नहीं देखा कि हमारे खेत में, चल अब 2 साल हो गए, अब तो दूसरी बात है क्योंकि सब कुछ मशीनीकरण द्वारा उड़ लग गया। 2 साल पहले तक हमने कदे यूँ नहीं देखा कि हमारा खेत में मेरे पापा ने कदे मेहनत भी लगाई है, चाहे सप्रे की नलक्की खींचनी हो, चाहे गेहूँ काटनी हो, सरसों काटनी हो, कोई भी काम करना हो खेत में, यूँ मजदूरों की तरह हमने घर के गेल काम कराया है। और मैं एक बात मानती हूँ कि काम हमारा धर्म है, और जो पैसा है ना उसमें शर्माना नहीं चाहिए कभी भी, और वो काम हम बखूबी करते। अभी भी जब घर आते हैं, खेतों में रहते हैं, तो
तो कुछ नहीं कि क्या पता आप दो मिनट बाद मेरे पापा ये कहते चल मेथी का घास पड़ गया भाई, तो वो काम आज भी हम करते हैं 24 घंटे तैयार हो काम के लिए। बिल्कुल 24 घंटे तैयार है और रहना चाहिए। आजकल देख रहे हम सोशल मीडिया दौर आ गया, आप इस चीज को किस तरीके देखोगे? अच्छी बात ठीक है या गलत है? अच्छी बात है सोशल मीडिया का दौर, लेकिन सोशल मीडिया भी हमें एक डिक्लेरेशन देती है 18 साल से पहले बच्चा कोई भी एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकता, फिर भी हम क्या करते हैं यूज करते हैं और बच्चों की आईडी बनाते हैं, बच्चे उनके साथ खेलते हैं। सोशल मीडिया करो यूज करो, लेकिन किस तरीके से करना चाहिए कि नंगा नाच नचावन तक कदे नाम नहीं होता, और भले घर के बड़का का यू काम नहीं होता। नाम कैसे होता है? जे नाम करना है तो अच्छे काम करो, लोग तो हमने सोशल मीडिया पर एक्सेप्ट करेंगे, उनकी सोच का सम्मान करो। सबसे पहले कोई भी कंटेंट क्रिएट करने से पहले क्या करो, सामने वाले की सोच का सम्मान करो। मैं बड़े बुजुर्गों का सम्मान करूंगी तो बड़े बुजुर्ग मुझे सोशल मीडिया के ऊपर देखेंगे। मैंने आज कल ऐसी ऐसी हदें पार करती हुई देखी, माँ बेटी डांस कर रही है, माँ बेटा डांस कर रहे हैं, माँ को पटोला बताती है गाने के अंदर, माँ जो माँ है बेटे को सैया बताती है गाने के अंदर, वो एक्ट करते हैं। नहीं चलो मैं आपको छोटे बच्चों को लेकर, छोटे बच्चे देखा वो 3-3 मिलियन 4-4, 10-10 मिलियन फॉलोअर है, हरियाणा में भी कई बच्चे ऐसे हैं, वो सही है या गलत है आपके? अगर उनकी आईडी को पेरेंट्स हैंडल करते हैं तो है ठीक, क्योंकि बच्चे की जो हेजिटेशन है वो खुलती है, बच्चा बोलना सीखता है सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर उसको माता पिता यूज कर रहे हैं अपनी देख रेख में तो है ठीक, यदि बच्चा उसको खुद यूज कर रहा है तो वो बात में गलत मानते हैं। नहीं एक सरकार कहती है मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आजकल बेटियां ही देखा भाई सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे काम करो भाई, है शॉर्ट कपड़े पहन लेंगे, ऐसे कपड़े पहन लेंगे बैंक अंगन के, मतलब साफ जाहिर दिखा है, तो क्या सकम मानते हो इस चीज को, सही है गलत है? अगर अंग प्रदर्शन करना इतनी अच्छी बात होती ना तो आदिवासियों से और मनुष्य बनने तक का ये टाइम है, ये हमें पार करने की जरूरत नहीं पड़ती। आदिवासी लोग पत्तों के माध्यम से अपने कपड़े बनाते थे, अपने अंग को वो भी ढकते थे, प्राइवेसी वो भी रखते थे। आज जब लड़कियां कपड़े उतारती हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि जब आप लोग बड़े होंगे, जब आपके बच्चे आपकी उम्र के होंगे, वो आपसे सवाल करेंगे। अगर इतना ही अच्छा अंग प्रदर्शन होता ना तो कपड़े नहीं बनते देश के अंदर, समाज के अंदर। आपका पहनावा पैंट शर्ट डालो, जींस टॉप डालो, कुछ भी डालो, लेकिन आपका अंग ढका हुआ होना चाहिए। अंग प्रदर्शन करना अच्छी बात नहीं है, अगर इतनी अच्छी बात होती तो फिर देश के अंदर कपड़ा नाम की चीज़ नहीं होती, और रोटी कपड़ा और मकान ये चीज़ें उन जरूरी आवश्यकताओं में नहीं आती जिसको हम आज पहली लाइन में पढ़ते हैं 1-2 क्लास से, कि मनुष्य के जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान जरूरी है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब दिक्कतें जो चीज़ सारी गलत है। बिल्कुल अंग प्रदर्शन करना बहुत गलत है, और मैं तो कहती हूँ इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन भी होना चाहिए। नहीं मतलब लोग कहते हैं भाई हमारी निजी लाइफ हम कुछ भी करें, भाई आपको क्या दिक्कत है? निजी लाइफ है तो निजी रखो ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्यों लेके आते हो? निजी लाइफ है तो आप घर के भी साला में घर के भी त्रसोपम बढ़ के नकी में कर लो, हमने किया आठ पूरा देश और दुनिया करने लग रही है। निजी लाइफ है उसको निजी रखो, फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लेके आने की क्या जरूरत है? तो निजी अगर आप अपनी जिंदगी को मानते हो तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मत दिखाएं। हाँ मतलब आजकल देखा भाई लड़कियाँ 3-3 साल के बड़ा की बहनों को भाई मैं तो लव मैरिज करूँगा ये करूँगा, आजकल ट्रेंड चल गया लव मैरिज का, भी आपने भी देखा है। नया साल जब शुरू हुआ ना एक गाना चला 29 दिसंबर नु छड़ी, हाँ ये हाँ, और मैं यूं कहूं कि 10-10 साल के बालक, 7-7 साल के, 8-8 साल के बालक इस गाना के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, स्टेटस लगा हुए हैं, वो उनकी भावनाएं बोलने लग रही हैं या उनका बचपना बोलने लग रहा है, या सिर्फ वो लिपसिंग मात्र तक है। भाई आपके बच्चे कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं, ऐसी बात तो है नहीं कि वो छुप छुप के कर रहे हैं, उनको देखिए और समझाइए कि बेटा ये चीजें आपके लेवल की नहीं है। कोई किसी भी गाने के अंदर कोई फीलिंग होती है, उस फीलिंग के साथ वो गाना क्रिएट किया जाता है। तो पता नहीं कि आजकल क्या कंटेंट लोग क्रिएट करने लगे, छोटे छोटे बच्चे तू मेरी दोस्त है मैं तेरा दोस्त हूँ, उनको ये पता चलने लग गया कि महिला मित्र चीज क्या होती है। तो इन चीजों के ऊपर देखना चाहिए और सोचना चाहिए परिवार वालों को कि भैया आपके बच्चे कहाँ और किस दौर में जा रहे हैं। फिर वो ये सोचते कि हमारे बच्चे हमारी मानते नहीं, भाई पहले तैयार तुमने किया है उसको इस तरीके से कि वो ना माने। आज मेरे घर में भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी भतीजी 3 साल की है, 1.5 साल की है, मेरा भतीजा 14 साल का है, भांजा 14 साल का है, मैं इनको जैसा सिखाऊंगी मैं बहुत दूर रखती हूँ। अभी थोड़े टाइम पहले जिक्र चल रहा था कि
आप अपना सोशल मीडिया उनको दे दो मैसेज, वो संभालेंगे। मैं पहले मानती हूँ कि पहले बच्चा बारहवीं तक पढ़ाई करे, मैंने भी उनकी आईडी बना रखी है, लेकिन 10 दिन में कोई एक कंटेंट बड़ी मुश्किल से डालती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ पहले बच्चों को शिक्षा और संस्कार दो, उसके बाद सोशल मीडिया दो। सोशल मीडिया दो। नहीं मैम, थोड़ा पर्सनल भाई क्वेश्चन कर ले, कल आपकी भी शादी होगी जी, मतलब आप क्या लव करवा रहे हैं? वो मेरे घर वालों का मैटर है, आपका कोई मतलब इसके मेरा है? इसके बारे में ना मैं कोई सलाह देती ना मैं कोई सलाह लेती। जैसा क्योंकि एक बच्चा जब माँ बाबू 18-20 साल तक पढ़ा है ना, वो उस उम्मीद तो पढ़ा है कि कल मैं इसने घर से विदा करूँगा, कल मैं इसकी बारात लेके जाऊँगा। तो मेरे ख्याल से ये जो अधिकार है ये पेरेंट्स का है और उनसे नहीं छीनना चाहिए। आपने तो अगर ख्याल लग दिया भाई, जो करे वो मर्जी उनकी, वो पूरी पूरी जिम्मेदारी उनकी है। नहीं चलो आपके वो क्या करा, चाहे वो कुआं में गेड़ दो, चाहे वो जेरा में गेड़ दो, चाहे वो स्वर्ग में लेके जाओ। नहीं आपका दो भाई भी आपसे बड़े या छोटे हैं? मेरा एक भाई है, मेरे से छोटा है। छोटा है, चलो वो मैं लव कर ले कल ना, फिर कोई दिक्कत नहीं फैमिली में। मुझे नहीं लगता ऐसा उसकी सोच होगी, लेकिन देखो वो क्या करे है नहीं कि भगवान ने मनुष्य की जात नहीं बनाई, इंसान ने जात बना दी, सामाजिक क्राइटेरिया हुआ है। अगर उसमें रहना है तो समाज के सारे नियमों को मानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि यदि आप 18 साल तक आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हो तो फिर आपको आपके संस्कारों के ऊपर यकीन करना चाहिए। वो उसकी ज़िंदगी है, मैं उसके बारे में ना मैं उसके बारे में कहूँगी ना मैं परिवार वालों का क्या रिएक्शन होगा उसके बारे में कहूँगी। तो देखो मैम, कलाकार आप हरियाणा के खेडी सर है, उनके साथ भी आप बहुत ज़्यादा दिखाई दो, मतलब उनके साथ कैसी बॉन्डिंग आपकी? भाई अपना बड़ा, जहाँ भी इस छोटी बहन को जरूरत होती है खड़ा मिलता है, और जहाँ भी बड़े भाई को मेरी जरूरत होती है मैं खड़ी मिलती हूँ। सबसे पहले तो हमारा गोत्र प्रेम, ठीक है, बिल्कुल 52 गांव में सबसे बड़ा गांव जो हदनौदा है उसकी पावन धरा से वो जुड़े हुए हैं। और मैं केडी भाई साहब जो हैं वो इतने अच्छे नेचर के हैं, इतने अच्छे नेचर के हैं। हम दिल्ली किसी प्रोग्राम में थी, मैं 2 किले दूर उससे खड़े थे, और बड़े 2 किले दूर से उसने मेरे को बोल लगाया, रिमन बहन इधर आ, मतलब वो जो हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे उससे पहले, जो इतना अपना फील वो करवाते हैं हरियाणा का कोई कलाकार नहीं करवा सकता। मतलब बॉन्डिंग तो सबके साथ आपकी थोड़ी, सबके साथ, सब मैं लगाओ एक के साथ ज्यादा हो जाए, चलो भाई के लगाओ सबके साथ है, बिंदर के साथ है, अमित के साथ है, रामकेश जी के साथ है, सबके साथ एक सा है। हरियाणा का छोटे का केपी कुंडू है हमारा, बिल्कुल यू हम आज तक मिले नहीं लेकिन हमारा बहुत अच्छा दोस्ताना व्यवहार है। हम मैं कहती हूँ कि दुश्मनी में कुछ नहीं रखा, प्यार प्यार बताएं सही है। कभी आपको गाना ऑफर नहीं करा, चलो बहन के साथ में गाना कर लेते? हरियाणा का ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिसने मुझे गाना ऑफर ना किया हो, फिर चाहे केपी की बात आती हो, चाहे अमित जी की बात आती हो, नवीन नारू की बात आती हो, हरियाणा बल्कि बहुत सारे कलाकार तो ऐसे हैं जो लिरिक्स मेरे से मांगते हैं, लेकिन मैं इस लाइन में जाना नहीं चाहती। हरियाणा का ऐसा कोई भी कलाकार नहीं है जिसने मुझे ये ना कहा हो कि आइए आप हमारे गाने में। नहीं कभी ऐसा लालच देने की कोशिश करो, इतने पैसे दे देंगे बहन आपको, 1,00,000 दे दें 2,00,000 5,00,000, कभी ऐसा कलाकार मिले हो? पैसों के लिए काम कभी किया ही नहीं, काम इसलिए किया खुद को संतुष्टि। नहीं कभी मैं मिला हुआ ऐसा एक कलाकार नहीं मिला ऐसा जिसने पैसे ऑफर करे। पैसे तो देखो ऑफर हर कोई करता है, काम जब कोई देता है ना पैसे ऑफर हर कोई करता है। इस लाइन में अच्छा पैसा है, आओगे तो आपकी फेस वैल्यू बनेगी, लेकिन दो दिन लेट सही पैसा कमाएंगे, इज्जत का कमाएंगे और एक मन को शांति देने वाला कमाएंगे। तो हरियाणा में चुनाव भी होने होंगे 2024 में, किस पार्टी से ऑफर आया अब तक आपको? ऑन कैमरा मैं ये कह रही हूँ हरियाणा की ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने मुझे ऑफर ना दिया। बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस इनेलो हजपा जेजेपी हर कोई पार्टी ऐसी है। इवन मेरे घर में चाय तक पीने के लिए धुरंधर नेता आए, दिग्गज नेता पार्टियों के आए, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी तीसरे के माध्यम से ये कहते हैं कि उस लड़की के घर हमारा चाय पानी करवा दो। तो हर एक पार्टी की तरफ से ऑफर आया, जहाँ हमारी विचारधारा होगी वो मतदान करना हमारा गुप्त अधिकार नहीं। चलो भाई ऑफर आएगा, किस पार्टी अच्छी लगा आपने फिलहाल हरियाणा में? हरियाणा के अंदर नीतियों की बात करें तो कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो नीतियाँ अच्छी बनाती हो, कहीं ना कहीं हम भिड़े जाते हैं उनके ऊपर। तो मैं कैंडिडेट देखूंगी, पार्टी नहीं देखूंगी, पार्टी नहीं देखूंगी। बिल्कुल हमारे उकलाना से जो चाहे आजाद उम्मीदवार अच्छा आई हूँ मैं उसको वोट करूँगी। हाँ ऐसा नहीं होता भाई, चलो आपने कोई पार्टी अच्छी नहीं लगती, मैं खुद ही कोई पर्सनल पार्टी बनाऊँ भाई,
तो मेरे ख्याल से मैं इतनी बड़ी नहीं हुई हूं। नहीं, पब्लिक मैम आपको इतना सपोर्ट करती है ना हरियाणा में, तो मेरी पार्टी तो देख मैं एक चीज से चलती हूँ, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, कि टेम चाहे कोई भी हो मेरी कलम बोलेगी और मेरे तगड़े आम आदमी के वेद खोले। तो मैं तो जो भी करती हूँ अपनी कलम के माध्यम से करती हूँ, पार्टी के बारे में आज तक सोचा नहीं। मैं 10 साल पहले भी यही कह रही थी, मेरा फिलहाल पॉलिटिक्स में जाने का कोई इरादा नहीं है, और आज 10 साल बाद भी मैं यही कह रही हूँ, मेरा फिलहाल इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं। मैं चलो मान लिया, हम 2024 में अपने एक पार्टी बना ली, 3 काम करने हरियाणा में, आपको क्या मानते हो 3 काम मैन में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो युवा बेरोजगार भटक रहा है उसको एक डायरेक्शन देना। डायरेक्शन मतलब मान सकते हैं कि देश के अंदर इतने रोजगार नहीं है कि करोड़ों युवाओं को एक साथ रोजगार दे सके, लेकिन हम उनको डायरेक्शन दे सकते हैं छोटे छोटे बिजनेस के माध्यम से। सबसे पहले उनको वो डायरेक्शन देना कि वो नशे को छोड़ करके अपना काम धंधा करे और अपनी आजीविका चलाए। दूसरा काम, आज देश के अंदर इतने अनाथालय खुले हुए हैं, इतने वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, मैं लोगों की सोच को ऐसा बनाऊं कि कोई भी आदमी अपने माता पिता को घर से ना निकाले। बात रही तीसरी बात, मैं एक बेटी हूँ तो बेटियों की उन तमाम मुद्दों के ऊपर बात करूं, खुला मंच लगाऊं, उन तमाम मुद्दों के ऊपर बात करूं ताकि बेटियां बताएं कि हमें कहां दिक्कतें महसूस हो रही हैं। ये नहीं सरकार की तरह मतलब क्या उनसे बुढ़ापा पेंशन कर दूं, 600 कर दूं, ये जो फ्री का राशन, फ्री का सिलेंडर और जो ये फ्री के ढकोसले हैं ना, इनसे अच्छा है आप लोगों को रोजगार दो, वो खुद खरीदे। ये सरकार चला रखी है भाई, आप कल देखा है कार्ड भी बना है, पीड़ा कार्ड बन गया, गुलाबी कार्ड बन गया, इसमें भाई फ्री में राशन दे रहे, ये चीज सही है। जनता पीड़ा कार्ड सोच को पीड़ा बनाता है, गुलाबी कार्ड सोच को गुलाबी बनाता है। अगर सोच को हरा भरा रखना है ना तो कमाइए और खाइए, कार्ड भी हरा भरा बना बिल्कुल। तो चलो भाई, मान लो पार्टी भी आ गई, जीत भी गई, किस पार्टी के साथ? चलो मान लो दुष्यंत जी ने कर लिया तो उसके साथ गठबंधन, आप किसके साथ करना चाहोगे बाद में? फिर मेरा गठबंधन विचारधारा के साथ, जिसके साथ मिलेगी उसके साथ जो मेरी विचारधारा का होगा। चलो मैं पर्सनल सवाल है मेरा, अभी सच बताना दिल से, कभी ध्यान में भाई हम उस पार्टी में जाना चाहूंगी अगर जिंदगी में मौका मिल गया तो? ध्यान में ये नहीं आया कि मैं उस पार्टी में जाना चाहूंगी, पार्टी के बारे में कभी सोचा नहीं, ये जरूर सोचा था कभी खुद का स्टैंड करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन को निकालेंगे, और सबसे बड़ी बात हमारे देश का शिक्षा स्तर सुधारेंगे। ये मन में बहुत बार आया, लेकिन फिर ये चीज़ बैक पर चली जाती क्योंकि लोग पार्टियों को तवज्जो देते हैं, आदमी को देते हैं। जिस दिन कैंडिडेट को तवज्जो मिलनी शुरू हो गई ना, अब मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे लोग जो समाज में कभी घूमे नहीं फिरे नहीं, समाज की समस्याओं को नहीं देखा, वो लोग आज नेता कहला रहे। मुझे बड़ा अचरज फील होता है, एक महिला ये कहती है कि फला आदमी की वजह से मैंने आत्महत्या की, और वो आदमी आज बड़े ठाट बाट के साथ रह रहा है। देश के अंदर मेरे देश की महिलाओं ने खुद का स्टैंड किया, सोनाली फोगाट चाहे कैसे भी रही, खुद की मेहनत के बल पर उन्होंने अपना एक मुकाम खड़ा किया, उसका वो हशर हुआ, देश के अंदर उसकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। मुझे यहाँ तकलीफें होती है, कोई भी बेटी जब जाती है अपना स्टैंड खड़ा करती है, पढ़ाई के माध्यम से अपनी फेस वैल्यू को क्रिएट करती है, और उसके बाद उसका ऐसा असर होता है, देश के अंदर कितने मुकदमे ऐसे दफन हो गए, बेटियों ने आवाज़ उठाई और दोबारा बेटी ना मिली। तो मेरा सबसे पहला यही रहेगा, अगर भगवान ने मुझे कभी इतनी ताकत भी दी ना, तो सबसे पहले मैं उन बेटियों के ऊपर बात करूँ। नहीं चलो मैं ले अगर 10-20 साल आने वाले में मेरे बुढ़े बुजुर्ग बेचारे बहुत कम ही रह रहे हैं, मैं बेचारे चले जाऊँगे, फिर क्या मानते हो हरियाणा फिर किस दिशा में जाओगे उसके बाद? फिर हरियाणा का ऊपर वाला रुखड़ा है। अच्छा, क्योंकि जो जिस सोच ने लेके आज लोग भी रहे हैं, 10वीं नहीं पाटन लागरी बड़कम है, और सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बने बैठे हैं, इन्फ्लुएंसर 1.5 लाख फॉलोअर ले रहे हैं। डेढ़ छोड़ो, मतलब 10,000 में इतनी फीलिंग ले जावे हैं जो पता नहीं अंबर के पैड़ी लगा ली, घर के यूँ क्या कर दे, ये तम यूँ सोचो नहीं कि आसमान बहुत छोटा है, आसमान बहुत बड़ा है, क्योंकि चारों तरफ मिला हुआ दिखाई दे रहा है। भाई पहले पढ़ाई करो, 10वीं पढ़ो, 12वीं पढ़ो, उसके बाद शिक्षा लो, शिक्षा के बाद कंटेंट भी क्रिएट करोगे नहीं मज़ा आएगा। गाली दे दे के लोग आज इतना बड़ा यूँ कवे कि हमें सब तो बड़े एक्टर डायरेक्टर हैं, ये अपना हरियाणा नहीं था, अपने हरियाणा को बिगाड़ दिया। जोड़ के अपील करती हूँ, हरियाणा को सुधारो और सोशल मीडिया के ऊपर अच्छा कंटेंट क्रिएट करो।
तो गाना कितना मतलब मैम सॉन्ग भी देखा आजकल बदमाशी की वो कितना प्रभावित करे भाई युवा ने। बदमाशी का गाना कभी बदमाशी करने के लिए मजबूर नहीं करता। बदमाशी का गाना यदि बदमाशी करने के लिए मजबूर करता ना तो गाने देश के अंदर ऐसे भी है, ऐसी ऐसी रागणियां बनी है कि भगत सिंह ने 23 की उम्र में फांसी हो गई थी देश प्रेम में, तो भगत सिंह क्यों कौन बन दे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्यों कौन बन दे, सर छोटू राम क्यों कौन बन दे। तम बदमाशी के गाने सुन के ना सीधा तारा ध्यान बदमाशी पे क्यों जावे है। गाने कभी अप्रिसिएट नहीं करते। देख गाने तो मैं क्या लिखूंगी जो ऑडियंस को पसंद होगा, कलाकार क्या गाएगा जो ऑडियंस को पसंद होगा। गोडे का सालिए कलाकारा ने बैठा बड़द कदे लात मार दे दबिया नहीं कर दे, ऐसे ऐसे गाने गा के ने, लेकिन गाने चाले को नहीं। लेकिन उसे कलाकार ने जब गाना लिखा बदमाशी के ऊपर तब ने खूब प्यार दिया, ट्रेंडिंग वन में चाल लिया कम से कम 20 दिन तो मजबूर ऑडियंस करती गाने लिखने के लिए। और कभी भी गाने किसी को खलनायक नहीं बनाते, कभी भी गाने नायक नहीं बनाते। खलनायक और नायक उनकी सोच बनाती है, उनका बैकग्राउंड बनाता है, उनके विचार और उनका व्यवहार और उनकी संगत बढ़ाती है। नहीं तो मैं लागू संस्कारी हूँ मैं, मगर क्या बाहर जाओ दिल्ली साइड आप ना क्या कहूँगे यार, या तो गांव की सोच की है इसने की बेरा की है। गांव की सोच पे मन फकर हुआ बड़ा, और मन अगर कुछ नहीं बेरा ना तो मेरे ख्याल से जिस दिल्ली में वे रहने लाग रहे हैं, ये जो माटी है गाँव की माटी, मेरे घर की माटी, खेत की माटी, ये वही माटी उनका पेट भरने लाग रही, उनको ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। रही बात वो क्या करे है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, कि मजबूत रहो विचारों से, जुड़े रहो संस्कारों से और ऊपर उठो संस्कारों से। तो इस ध्येय को हमेशा लेकर के चलो। लोग क्या सोचते हैं, वो कहते हैं क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, तो ये रोग मैंने तो बहुत पीछे छोड़ दिया फिलहाल। आपको तो बहुत लगा ये रोग। मेरे तो इतना लगा, मैं इवन घर से कभी भी कोई प्रोग्राम के लिए निकलते थे ना, लोग ये कहते थे ठावे है जोड़ा लिकड़ ले वह है कोई काम नहीं, अगर इतनी डिग्री, कमेंट्स ऐसे आते थे मैडम आपके पास इतनी डिग्री है तो आप नौकरी क्यों नहीं लगे। मैं बताऊं जिंदगी में कदे नौकरी के बारे में सोचा ही कौन था। मेरे पापा ये क्या करते ना कि रिमन कोई रोजगार डोले, मैं यू क्या करती पापा रोजगार देने वाले बढ़ाएंगे, लेने वाले थोड़े ना बढ़ाएंगे, लोगों ने रोजगार देवांगे, इतना सशक्त करांगे उनकी सोच ने। लेकिन एक टाइम पे नहीं लगा पद को सलाम है, लोग विचारों को सलाम नहीं करते, इसके लिए नौकरी। फिर दो मैंने 18-20 का बैच कराया, पहली भर्ती आई थी, पहली भर्ती में ही एग्जाम क्रैक किया, लोगों को दिखाया और रैंक के साथ एक पोजीशन लेके आई और सिलेक्शन लिया। अब पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया मैम? मैं चल रही है, मैं फिलहाल मैं मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ, थर्ड सेम मेरा चल रहा है और फर्स्ट सेम मैंने बिल्कुल मेरिट के साथ क्रैक किया, जिसे यू हिसार से मेरी पढ़ाई चल रही है। नहीं मैं पिछली बार इंटरव्यू आपने कहा था मेरे पर केस लग रहे हैं भाई, मैं पेपर देने चली गई तो मैं पता नहीं था मेरे ऊपर केस लग गया था उस टाइम पर भी, तो अब केस भी लग रहे हैं मैम फिर भी सरकारी नौकरी ये कैसे पॉसिबल है बताओगे थोड़ा? मैंने पर्सनल लेवल पर केस को लड़ा, 2-2.5 लाख रुपये खर्चा आया, पर्सनल वकील किए। एक बात कहती हूँ ऑन कैमरा, आपके अंदर ताकत है तो कोई भी लड़ाई लड़ियो, अगर आपके अंदर ताकत नहीं है तो किसी के भरोसे कोई लड़ाई मत लड़ियो। मैंने भोपाल तक के केस को, मैंने रेलवे के केस को, मैंने हरियाणा स्टेट के केस को, मैंने सेंटर के केस को, मैंने हाईवे के केस को, इतना पैसा दे दे के लड़ा है वकीलों को, इतना पैसा दिया है, कोई ये बंदा मेरे सर पे हाथ रखने के लिए नहीं आया कि चल हम तेरे साथ हैं और तू आगे बढ़, हम तेरा साथ देंगे, कोई भी बंदा नहीं आया। एक गुरुनाम सिंह चढ़ोनी और भाई अभिमन्यु कुहाड़े कमारे हिसार के SKM के मेम्बर है हरसदीप गिल जी, उनके अलावा किसी बंदे ने मेरा कोई केस नहीं लड़ा। मैं गिड़गिड़ाई, मेरा पासपोर्ट तक जब्त किया सरकार ने, मैं रोई घर बैठ के, तब ये ध्यान आया आपके अंदर हिम्मत है तो आप लड़ाई लड़ो, अदरवाइज घर बैठ जाओ। नहीं आपने मैं वो नहीं बताया कि भाई केस होने के बाद भी सरकारी जॉब लग गए। केसों को मैंने लड़ा, पहले केसों को बरी करवाया, उसके बाद अभी हाल फिलहाल की मैं बात करूँ तो मेरे पास जज की जजमेंट है, कुछ केस को विड्रॉल किया गया, कुछ केस को सरकार ने वापस लिया, कुछ केस के ऊपर फैसला जो हमारे हक में आया, मैं जज से ऑन स्टैम्प ये लिखवा के लेके आई हूँ, ये सारे केस फर्जी थे और इन चीज़ को बरी किया जाता है, तब जा करके बिल्कुल फ्री हो, अभी केस नहीं आपके बिल्कुल, अभी रिलैक्स है। रिलैक्स है हाँ। नहीं चलो मैम केस लगे उस टाइम करके क्या सोचते हो, लड़की पर केस लग गए यार या हमारा काला मुँह खराब आ गया, कभी ऐसा हुआ था? मेरे ऊपर धारा 307 लग गई एक बार, 16 महीने खट्टर जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है तो मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, हम उसका विरोध करने पहुंच रहे थे, 307 लग गई। फर्स्ट टाइम लगी थी? मैंने बताया ही कौन कर क्या तक ना, पीपली कांड का पहला केस था मेरे ऊपर, उससे पहले जाट आरक्षण के केस थे मेरे ऊपर,
तो वह 307 धारा मनोकर्तियां तक बताया को नहीं, क्योंकि मैं न्यू कौन बताया कि मेरा तड़का आंदोलन में जान देवे ना देवे। पहले छोटी मोटी धारा लगा कर दी, उनका डर कौन था। सवेरे इंडियन एक्सप्रेस का इतना बड़ा पेज लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, 24 साल की छोरी का आपके ऊपर को फोटो, मेरा फोटो फ्रंट पेज इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर। मेरे पापा द्वारा फोन आवे, तारी छोरी पर 307 लग गई, बेरा था हमने। मेरे पापा ने बोलिया भाई बेरा नहीं, क्या हुआ 307? घर वालों को यही नहीं पता 307 होती धारा कौन सी। बोलिया अरा पेड़ पर 307 लाख लिख देवा ना, वो सूख जावे, इतनी बड़ी धारा है। तारी छोरी ने किसी का मर्डर करने की कोशिश करी है, या धारा है सीधी 20 साल की कैद है, इतना जुर्माना है ये वो, मतलब यूं एक्सप्लेन करा बहुत सारे। तो मैंने मेरे पापा को बड़े रिलैक्स माइंड से ये कहा, पापा आंदोलन का केस है और आंदोलन में चलते रहते हैं, मेरे ऊपर अकेली के ऊपर नहीं। मैं छोटी थी और मैं एक लड़की थी तो मेरा नाम थोड़ा सा ज्यादा वायरल हो गया, समझाना पड़ा घर वालों को, कन्विंस करना पड़ता है भाई यदि घर से बाहर निकल। तो उनको बड़ा पोलाइटली समझाया और उनको ये बताया ये धाराएं ये केस इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात तुम लोग मान बैठे हो। तब उनका ये समझ में आई कि हाँ इतनी बड़ी बात नहीं है और ये तो चल दे रहा करे हैं। घर वाला ने कदे नहीं कौन कहा कि ओड़े कौन जाना ओड़े कौन जाना, क्योंकि हमने हमेशा ही एक विश्वास में लेके चले घर वाला ने, और उस विश्वास पर हम खरे भी उतरे। कोई भी लड़की यदि घर से निकलना चाहती है ना, सबसे पहले खुद को प्रूव करना पड़ेगा भाई। नहीं चलो क्या समझा दिया भाई, कुछ नहीं चीज ऐसे हो जाए। आपका क्या मन में था यार मैं 307 लगी? मेरे मन में कुछ नहीं था, मैं इतना सोचती नहीं। अच्छा, मैं इतना सोचती नहीं, ना मैं दूसरों के बारे में सोचती ना मैं अपने बारे में सोचती, बस मैं ये देखती हूँ यार ये काम हो लिया, इससे आगे क्या काम करना, फ्यूचर की फ्यूचर सोचती हूँ मैं हमेशा, प्रेजेंट सोचती हूँ, जो हो लिया उसको छोड़ो। पास्ट को बोल जाते, मतलब 307 लग गई, मैं 307 की चिंता करती रहूँ, वो चिंता तो क्या बने, धीरे धीरे दिमाग खराब हो, नींद आनी बंद हो, इसलिए आगे क्या करना। 307 तो लग गई ठीक है, फिर बहुत सारे लोगों ने यूँ भी कहा कि 307 लगवा के फेस वैल्यू लेगी। मैं बताऊँ ना तो मैंने आज जरूरत है फेस वैल्यू की, ना मैंने कल जरूरत थी, ना ही मैंने आने वाले टाइम में जरूरत थी। मेरा पेशा मेरा प्रोफेशन अध्यापन है, कविताएं हैं, मैं वो करती हूँ और करती रहूँगी, बाकी जो काम है वो साइड बाई साइड चलते रहेंगे। सबसे बड़ा केस होता 307 का, सबसे बड़ा केस था 307 का, उससे तो छुटकारा मिल गया आपको। उससे मेरे को बाई गॉड बहुत मुश्किल से मिला, बहुत जल्दी छुटकारा मिला उससे, सबसे पहले छुटकारा उसी केस से मिला था। पूरा एसकेएम हिसार के अंदर ऐसे आता था जैसे एसपी ऑफिस में रेड मारने आ रहा हो तो डीसी ऑफिस में रेड मारने के लिए आ रहा हो। तो बहुत अच्छा किसान आंदोलन का एक्सपीरियंस, अच्छा भी रहा बुरा भी रहा। मेरी दो जॉब छूटी किसान आंदोलन के दौरान, मेरे को टर्मिनेट कर दिया गया आकाशवाणी और दूरदर्शन से, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा हाय मेरी नौकरी चली गई भाई, वो धंधा उड़ तक था आगे दूसरा कराई मैंने, किस्मत में इतना ही था, मैंने उसका दूरदर्शन का पैसा इतना ही लिखा था, आकाशवाणी का पैसा इतना ही लिखा था, आगे मेहनत करेंगे किसी अच्छे मुकाम पर जाएंगे, कोई परमानेंट देखेंगे। तो मैंने कभी ये रोना नहीं रोया हाय मेरी नौकरी चली गई, हाय मेरे ऊपर केस लग गए। भाई काम करांगे तो केस भी लागेंगे, और केस लागेंगे तो जाहिर सी बात है या तो काम करना छोड़ दो केसा का डर हो तो, लेकिन काम हमेशा शुरू हुआ, जो करो बिंदास रह के करो। तो सुनो मैम, कई लड़कियां देखा उस टाइम पर आपका साथ थी आंदोलन में भी, वो आज वहीं तक सीमित रह गई, आप गवर्नमेंट जॉब भी लग गए, कामयाबी हो गई लाइफ में, तो आप समझाने उनको यार चलो आप भी करो पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। जो महिलाएं मेरे से, जो लड़कियां मेरे से छोटी थी ना, मैंने उनको बहुत समझाया लेकिन माना नहीं। मैं उन महिलाओं के साथ 40-40 मिनट लगातार बात करके ये कहती थी, स्टडीज फर्स्ट आफ्टर देन समथिंग, यदि जिंदगी जीनी है तो पैसा जरूरी है, यदि आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो नौकरी जरूरी है, रुके मार ले या सरकार चली जाओगी, दूसरी आ जाओगी, फिर दूसरी के खिलाफ रुके मारोगे, मतलब हमारा काम यही रह गया है, सिस्टम को सुधारो, सुधार करके उस सिस्टम के अंदर घुसो, घुस करके उसको देखो भाई कैसा है, और उसके अंदर घुसने के बाद कैसे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मैंने बहुत समझाया, मैंने ये भी कहा जब वो उनके मैं इंटरव्यू देखती थी, मेरा आपने देखा होगा मेरा रिकॉर्ड रहा, मैंने कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी के ऊपर गंदा कमेंट नहीं किया, मैंने जो चीज़ बुरी लगी पर्सनली कॉल किया और बताया भाई ये जो वर्ड तुमने बोला ना ये एक संवैधानिक पद को गाड़ी है, बाद में देश के सीएम को, प्रदेश के सीएम को, और उसके बाद में देश के पीएम को है, सबसे पहले प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है उसको गालियां मत दीजिए, मतलब एब्यूज वर्ड मत बोलो, विरोध करो कौन रोकता है, लेकिन गालियों से विरोध करोगे, आपका शिक्षा स्तर इतना गिर चुका है कि आप दूसरों को गालियां दोगे।
इसीलिए मैंने समझाया बहुतों को, लेकिन वो कहते हैं ना कई की बुद्धि पांव में होती है, कई की बुद्धि बुद्धि की जगह होती है, तो जैसा जिसकी बुद्धि काम करती है वो वैसा ही। बोला उनके आपके पास कि यार आप तो लग गया, हमने मान ली होती तो सुधर जाते हम भी। मैंने पहले ही कहा मैं कभी किसी के साथ बिगाड़ के राजी नहीं होती। मेरे पास पहले भी उनके ऐसे ही फोन आते थे, आज भी ऐसे ही फोन आते हैं, और भगवान से रिक्वेस्ट करूंगी ऐसे भी ऐसे ही आते रहे। फेवरेट किसान नेता कौन आपका? अभिमन्यु कुहाड़ जी, गुरनाम सिंह चलूनी जी। वो तो उसमें आ गए ना पुरुष हो गए, महिलाओं में कोई? महिलाओं में किसान नेता खुद के खुद ही बहुत सारे ऐसे किसान नेता बताऊं, किसान नेता बहुत हुए, रीमन नैनी। जहाँ गालियां देने की बात आती है ना, हर एक महिला किसान नेता गालियां देती है। ये क्या मानते हैं गाड़ियाँ दे? चलो भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी नाम लेके गाड़ियाँ दे रही है कि हाँ इस कन्नू हो जाए कीड़े पड़ो। मतलब अगर उसकी शादी नहीं कर सकती तो प्रॉपर एक वर्ड बना रखा है। हाँ। वो बोल देते हैं उनके में भाई मेरे को ये चीज़ें पसंद नहीं है। मैंने ना तो कभी किसी को दी, ना मैंने कभी किसी को बोला। बहुत सारी किसान नेता ऐसी थी जो कभी मीडिया के सामने ही नहीं आई और नीचे ही नीचे बहुत मदद कर रही थी। मैडम सुदेश चहल पूनिया है, और मेघना मलिक जी हैं, और बहुत सारे। मतलब मैं जहाँ गालियाँ, मैंने कभी भी अभिमन्यु भाई साहब के मुख के ऊपर सरकार को गालियाँ नहीं देते हुए सुना, कभी उनको ऐसा वर्ड नहीं सुना। गुरु नाम सिंह चडूनी जी हैं, ऐसा एक्शन लेंगे जनता के, मतलब जनता के हित में और सरकार को देखते हुए। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या मानते हो भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री? देखें वीडियो ना भाई, गाड़ी हुई देखते, जो गालियां देते हैं वो बातें उन तक नहीं पहुंचती। ये तो हमारा बहम है, ये हमारा। तो वीडियो आई होंगे मेरे पास एक बार सीएमओ हरियाणा का एक मैसेज आया ट्विटर के ऊपर, मैं उनको बहुत टैग करती थी, मैं उनके पीछे पढ़ ली थी, जुतियां निकाल के पीछे पढ़ ली थी। कभी तो मैसेज आया हुआ, तो मेरे पास एक मैसेज आया कि आप हमें नाम पता विवरण दे, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं वेरीफाइड अकाउंट से। मैंने उनको वो भी नहीं दिया, और मैं डरी नहीं भाई। क्यों जरूर, अगर उनको जरूरत होगी तो हमारे घर आएगा, मैं क्यों किसी के पास जाऊंगी? मतलब ऐसा बनो लोग आपके पास चल के आए। मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं दिया, आज भी मैं आपको दिखाऊंगी मेरे ट्विटर के ऊपर, आज भी वही का यूं पड़ा है। गालियां अगर हम देते हैं ना वो वहां तक नहीं पहुंचती, बिल्कुल नहीं पहुंचती। अगर वो वहां तक पहुंचेगी भी ना तो वो सोचे कितनी मूर्ख लुगाई, मेरे पर क्या फर्क पड़ा है। विपक्ष रोज गालियां दे रहे हैं, उसने बहुत सारे लोग गालियां दे पक जे, मतलब एक बात हरियाणा पक चुके हैं। गालियां अगर हम किसी को देते हैं ना, हम खुद की जुबान को गंदा कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। अगर खुद की जुबान गंदी होगी ना तो कभी नहीं सुधर सकती, कभी भी नहीं सुधर सकती। तो थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती टाइम दिया। तो हरियाणा के युवा में ऐसे ही मतलब प्रोत्साहित करते रहो आप, तो क्या कहना चाहोगे अंत में भाई, जो हमारी ऑडियंस है दर्शक आपको देखते हैं? आपका भी धन्यवाद जो आप पहुंचे दर्शकों तक। बस यही कहना चाहूंगी कि गलत को सहो मत, सही को कहे बिना रहो मत। जिंदगी एक मिली है, कुछ हिस्सा करके जाओ। चार आदमी नहीं हुआ भाई, फलाना का छोरा जैसा बड़ी है, फलाने की छोरी जैसा बड़ी है, यही कहूंगी बस। तो थैंक यू गाइस आपका पूरी वीडियो देखने खातर। वीडियो कौन सा पार्ट बढ़िया लगे नीचे कमेंट करके जरूर बता दियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दो इजाजत। जय हरियाणा, जय हरियाणा।